किसान आंदोलन की जो गूंज है टोहाना में, इस वक्त पूरे देश जो है टोहाना को देख रहा है। और जो मामला था, जो रिहाई की मांग की जा रही थी, आप देख सकते हैं रवि आजाद भाई हमारे साथ है, जैसे कि इनको जमानत मिल गई थी, तो आइए चलते हैं, इनसे जानकारी भी लेंगे क्या मामला हुआ, ऐसी क्या नौबत आई कि इनको जो है सरकार के दबाव में जो है प्रशासन को जेल में भेजना पड़ा प्रशासन के द्वारा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो किसानों की मेहनत है, जो दबाव है, वो काम भी आया। हालांकि सरकार झुकी है लेकिन अभी भी कसर बाकी है। तो रवि भाई बताएं उस दिन का क्या एपिसोड था और किस प्रकार ये हुआ सर? सातवें महीने में आंदोलन है और सरकार ने अथाह कोशिश की और सरकार ने बता दिया कि हम सरकार नहीं है, हम एक गैंग चलाते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी उस गैंग के मुखिया हैं। और इन सात महीनों में पूरे देश ने देखा कि कैसे शोषण होता है, कैसे आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश होती है, और ये भी उसी का एक हिस्सा था। ये इस तरह गुंडागर्दी करके उठाना, गुंडागर्दी करके झूठे मुकदमे दर्ज करना, जेलों में परेशान करने का काम करना, ये सीधे तौर पर हमारे हौसले तोड़ने के लिए, आंदोलनकारियों का उत्साह कम करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारी रगों में जो है वो आंदोलनकारियों का खून है, हमारी रगों में महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का खून है। हम कट तो सकते हैं लेकिन हमें झुकना नहीं आता किसी भी कीमत पे। और जो सरकार हमारी कमर तोड़ना चाह रही है या हमारे आंदोलन की कमर तोड़ना चाहती है, उस सरकार की हम रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देंगे। और ये पूरा जन सैलाब, ये पूरा आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा, और टोहाना जो इस ऐतिहासिक आंदोलन में एक इतिहास जब लिखा जाएगा तो टोहाना का भी जिक्र होगा। और जो मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और हमारे सभी नेतागण जो सड़कों के ऊपर सोए और जो शहादतें हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। हम इन सब को जो है, इनका एक एक आंदोलन को जीत करके हम सबकी मेहनत को, सबकी शहादत को, एक सबकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले। भाई जब आपको फतेहाबाद थाने में ले जाया गया तो वहाँ पर प्रशासन का रवैया कैसा था, उनका कैसा था, आपको लग रहा था कहीं दबाव है या कोई ऐसा? मैं आपके माध्यम से भी जब हम वहाँ पंचायत में बात कर रहे थे तब हमने पुलिस वालों से भी एक अपील करी थी, और आज उसी का नमूना है कि प्रशासन पूरी तरह से बंधक हो चुका और पुलिस पूरी तरह से खट्टर की पुलिस बन चुकी है। रवैया बेहद ख़राब था और गुंडागर्दी वाला था, बदतमीजी वाला था, गाली गलौच वाला था। और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जेल में जाने से पहले मेडिकल होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्रॉस करके और हमें यहाँ थाने से उठा करके और ले जा करके जेल के अंदर बंद कर दिया। तो स्पष्ट तौर से सरकार आंदोलन से डरी हुई है, सरकार आंदोलनकारियों से डरी हुई है। लेकिन जितना हमें कमज़ोर करने की कोशिश करी जाएगी, हम, मुझे लगता है ये वो कुनबा है जिसको जितना दबाया जाता है वो उतनी ताकत के साथ ऊपर उठा है। तो भाई साहब आंदोलन में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब भी सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती है या छोटा मोटा होकर, तो कहीं ना कहीं डबल होकर निकलता है जो किसान आंदोलन है, लगातार उसमें संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि हमने टोहाना में देखा, जैसे ही आपकी गिरफ्तारी हुई यहाँ पर एक जो किसानों का एक मेला लग गया, तो क्या लगता है सरकार को इस पर विचार करना लेना चाहिए कि क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सरकार अपना नाश करना चाह रही है और बीजेपी अपना नाम मिटाना चाहती है, तभी वो काले कानून लेके आई। उसके बाद जो है अत्याचार और जो अन्याय हो रहे हैं किसानों के ऊपर, और ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, लड़ाई व्यापारी की भी है, लड़ाई मजदूर की भी है, कर्मचारी की भी है, ये लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई है रोटी का व्यापार ना हो, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, हमारी ज़मीनों के ऊपर अडानी अंबानियों के कब्जे ना हो, हमारे लोग जो है वो आने वाली पीढ़ियां बंधुआ मजदूरी ना करें। और अब तो ये आंदोलन इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ने का भी है और अब ये आंदोलन संविधान को बचाने का भी है, और अब ये आंदोलन पूरी दुनिया में आंदोलनों की क्या तस्वीर हो उसकी एक नज़ीर पेश करने का भी आंदोलन है। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये चर्चा चली हुई थी कि सरकार चारियों की दिल्ली से इसको डाइवर्ट करके यहाँ हरियाणा के अंदर किया जाए? हमारी लड़ाई दिल्ली से है और खट्टर सरकार बार बार बाधा बनने का काम करती है उसके अंदर। और ये बात पहले दिन संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये चौधरी राकेश टिकैत जी का भी ये नारा कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होंगी, या तो लाशें आएंगी या हम जीत करके आएंगे, ये सरकार का बहम है।
ये तो SYL के नाम पर भी बांटना चाहते थे, ये तो छोटे बड़े किसान के नाम पर भी बांटना चाहते थे, ये तो हमें कांग्रेसी भी बता रहे थे, ये तो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी भी बता रहे थे, लेकिन इनकी सारी साजिशें फेल हुई हैं, ये साजिश भी फेल होगी। और दिल्ली के जो बॉर्डरों पे जो सातवें महीने में आंदोलन प्रवेश कर रहा, वो निरंतर हर रोज़ संख्या बढ़ रही, और जो उत्साह है वो सातवें महीने बाद भी आप एक एक मेरी माताओं बहनों और बुजुर्गों के चेहरे पर ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हर चूल्हे और हर घर का आंदोलन है, और अब सारा देश इस आंदोलन के साथ खड़ा। बंगाल का जो चुनाव आ रही है भाजपा, वो भी निश्चित तौर से हमारी राजनीतिक जीत है इस किसान आंदोलन की। भाई साहब, आखिरी सवाल चाहूँगा मैं आपसे, तो हंगर के अंदर आप आए थे, यहीं पर गिरफ्तारी हुई थी, तो कैसा साथ मिल रहा यहाँ लोगों का? देखिए, जो हमारा पूरा देश परिवार है, हरियाणा हमारा परिवार है, और टोहाना में जो आवाज़ संयुक्त किसान मोर्चे की अपील पर सब इकट्ठे हुए और एक गालीबाज विधायक को सबक सिखाने के लिए इकट्ठे हुए, और जब हमारे ऊपर सरकार के हाथ पड़े, तो टोहाना के साथ साथ चाहे वो फतेहाबाद हो, सिरसा हो, हिसार हो, जींद हो, और सारे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का के नेताओं का और मेरी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का इतना सहयोग मिला कि टोहाना अब परिवार ना होकर के हमारे घर जैसा है, और ये सदा सदा के लिए हमें आंदोलन की प्रेरणा देता रहेगा। शुक्रिया। तो आपने देखा, ये थे रवि आज़ाद भाई, जिन्होंने बताया है कि लगातार जो है यहाँ पर जो प्यार मिला है लोगों का, जो यहाँ पर स्नेह मिला है, वो उसे भुला नहीं सकते, और इनका कहना है कि टोहाना का नाम इस आंदोलन में हमेशा के लिए जो है याद रखा जाएगा कि किस प्रकार टोहाना के अंदर जो लोगों ने संघर्ष किया है। तो ये थे रवि आज़ाद भाई, जिनको अब जमानत मिल गई है, गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर यहाँ आंदोलन हुआ। हालांकि अब एक और किसान भाई है जिसकी अभी जो अंदर है, जिसकी रिहाई होनी बाकी है, जिसके लिए आंदोलन लगातार चला हुआ है। तो आपने रवि आज़ाद को सुना, आगे फिर किसी किसान भाई साहब की बात करवाएंगे। जुड़े रहें TBN न्यूज़ के साथ।